अस्सलामुअलैकुम। आज बताइए मैं इतना खुश क्यों हूँ, मुझसे पूछिए क्यों। यूं ही कभी आदमी को वैसे भी खुश होना चाहिए। मैं इसलिए खुश रहता हूँ कि हम सबको खुश रहना चाहिए। हम जले बुझे, कड़वे कसीले, बुरे बुरे मुंह बना के, जो वैगन में बैठा वो भी यूं है और मुंह में पान है और देख रहा है किसके कपड़े साफ हैं और उसी के जब बुजर। कुछ लोग तो स्कूटर पे जा रहे हैं और मूलियां, और पीछे कोई आदमी आ रहा है उसकी आंख में गया प्लाश। ये बुरी बात है। फिर मुझे वो लोग बड़े बुरे लगते हैं जब मैं जाते वक्त मैं देखता हूँ वॉल्स जो हैं हमारी सिटीज़ की, जो वॉल्स हैं वो जब पास आउट हो रही होती हैं तो उनके इश्तहारात मुझे बड़े अजीब लगते हैं। उन पर लिखा हुआ रिहा करो, और वो लोग रिहा होकर फिर बंद हो चुके हैं जिनके लिखे में बरसों से हकीमों के नाम, डॉक्टरों के नाम, पामिस्ट के नाम, महबूब आपके कदमों में, जादू का, टोने का इलाज, सिफली, बंगाली बाबा। ये मैं देख देख के, पढ़ पढ़ के सोचता हूँ ये दीवारें साफ क्यों नहीं। और कुछ इशारे होते हैं शहर के इलाकों के, कुछ एरोज़ बने हुए होते हैं, हम उन पे पोस्टर्स लगा देते हैं। तो हमें देखना है हमारा कल्चर क्या है, क्या वो हमें ये बताता है कि हम लोगों को सताएं, या वो हमें ये बताता है कि लोगों को हम बताएं, उनको सहूलतें दें, एक दूसरे के लिए हम ईजी हो जाएँ। हम ना जाने एक लोगों के लिए कब ईजी होंगे, ये वक्त कब आएगा कि हम एक दूसरे के लिए ईजी हो जाएँ। हम डिफ़िकल्ट हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, हालांकि मैं गलत कह रहा हूँ, आप झूठ कर रहे हैं। मैंने अभी बात ही ख़त्म नहीं की थी, इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि आप जो मैं बात कहूँगा वो गलत बात है। आप मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं, सॉरी क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे कुछ कहा है तो सॉरी क्यों की? आप कहें मैं सॉरी नहीं करता, नहीं करता। ये इस कौम का इखलाक है। मैंने आपको प्रूफ किया कि आप किसी भी बंदे से बात करें, देखा ना दो मिनट में गुस्से में आ गए, दो मिनट लगे जरा सी बात हुई गुस्से में आ गए। यही हालात मैं देखता हूँ सारा दिन, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद, हर जगह पर। इवन देन असम्बलीज में जब हम जाते हैं, असम्बली में लोग घुल मिल के नहीं बैठे हुए, लड़े हुए बैठे हुए, बड़े बड़े पर्चे लेके बैठे हुए। अब ये आएगा तो ये पर्चा देना है मैंने, ये बात करेगा तुमने जवाब देना है, वो बात करेगा तुम बोलोगी, वो बात करेगा उसका जवाब तुम दोगी, तुम खड़ी होना, पर्चे फाड़ देना, हम सब फाड़ देना। यार जब हम सारे असेंबली के अंदर, जहां हमें आवाम मेहनतों से धूप में खड़े होकर के अपना वक्त दे करके मुंतखब करके भेजते हैं, इसलिए कि हम वहाँ तो 300-400 आदमी एक दिमाग होके बैठ जाएं और इस बेचारी कौम के लिए सोचें कि यार इसका कसूर क्या है, ये कल्चर कब बनेगा हमारे मुल्क में। क्योंकि आज बात हमने कल्चर की करनी है, तो कल्चर हमारा ये कब बनेगा कि हमें इलेक्शन में वोट कास्ट करने का सलीका कब आएगा, किन लोगों को लाना है, कैसे लाना है, कब उनको आना चाहिए, वो आ जाएं तो हमें उनसे कैसे मिलना चाहिए, उन्हें हमसे कैसे मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे मिलना चाहिए पूछिए, क्या पैसा, हमें पैसा कैसे मिलना चाहिए, और हमें पैसा कैसे मिलेगा कि जब हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक लेने में जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोई ना आए। मैं ब्रेक लेके अभी आया और आपके सामने लाके आपको दिखाऊंगा ब्रेक। मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी बना रहा हूँ, अभी ब्रेक ला रहा हूँ, फिर क्लच लाऊंगा, फिर उसके मैं इंजन लाऊंगा, फिर उसका मैं साइलेंसर लाऊंगा, फिर स्टीयरिंग, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी होगी। और खुदा करे ये गाड़ी हमारी जमहूरियत की गाड़ी की तरह ना हो कि जो कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी दो उतर रहे हैं, कभी चार चढ़ रहे हैं, कभी पूरी गाड़ी खाली हो गई।
और कभी किसी ने गाड़ी को हरी झंडी दिखा दी और कभी रेड सिग्नल आ गया। जमहूरियत की गाड़ी की तरह नहीं होना चाहिए, गाड़ी को चलते रहना चाहिए, मुसाफिर उतरते रहें, चढ़ते रहें, अपनी अपनी मंजिलों पर पहुँचते रहें। तो हम भी अपनी मंजिल से पहुँच कर छू करके मंजिल को वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। और आज गुफ्तगू करेंगे हम कल्चर के ऊपर और अपनी एक बहुत खूबसूरत मेहमान से इसके बाद आपको मिलवाएंगे। तो विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम आपको एक अपनी मेहमान से मिलवाएंगे और हम जिक्र कर रहे थे कल्चर का। कल्चर होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत से लोग हैं जो चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों लेकिन उनमें उनका अपना जो कल्चर होता है वो नज़र नहीं आता, उन्होंने दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ होता है। ऐसे लिखने वाले होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं क्रिएटर, कुछ लोग होते हैं अडॉप्टर। तो बहुत डिफरेंस होता है अडॉप्टर में और क्रिएटर में। तो क्रिएशन जो होती है वो इंसान की अपनी होती है और जो तरबियत होती है उससे इंसान कल्चर्ड होता है, उससे उसका एक उसकी शख्सियत के अंदर जितने शेड होते हैं वो उसको वर्से में मिलते हैं, घर से मिलते हैं, तरबियत में मिलते हैं। हमारी मेहमान शख्सियत, उनका ताल्लुक तो कल्चर मिनिस्ट्री से है लेकिन कल्चर के जितने शेड हैं, जितने उसके फील्ड हैं और जहाँ जहाँ कल्चर टच होता है उन सब में वो काम करें, लेकिन बेहतर है कि हम उनसे वो बात करें, उनसे सुने। असम्बली में बहुत खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, और कुछ चेहरे अपनी गुफ्तगू से, अपने अंदाज से इतनी अच्छी बात कर जाते हैं कि वो देखने में तो अच्छे होते हैं, गुफ्तगू उससे भी अच्छी कर जाते हैं। ऐसे ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू है, बहुत अच्छी मिनिस्ट्री उनके पास है जो उन्हें बहुत सूट करती है। ख्वातिन हज़रात तशरीफ़ लाएंगे आपकी बहुत सारी तालियों में। हमारी सिंध गवर्नमेंट में कल्चर की मिनिस्टर हैं मोहतरमा शशि प्लेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको शरीफ शो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप बड़ा कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएं। मुझे खुशी हुई है यहाँ आकर। आपको हुई खुशी? आप हाँ जी बिल्कुल। आपको किस बात की खुशी हुई? मुझे इस बात की हुई कि मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ आज बैठी हूँ और प्रोग्राम में शरीक है, मुख्तलिफ बातों पर डिस्कस करेंगे। यानी कि आपने ये मान लिया कि मैं बेहतरीन आर्टिस्ट हूँ? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। एक एक कल्चर मिनिस्टर ने मान लिया इस बात? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़े अरसे के बाद बहुत आर्टिस्टिक जो है ना कल्चर मिनिस्टर आए हैं सिंध के अंदर। हमारे यहाँ होता क्या कि महकमा कुछ और होता है, बंदे की तबीयत कुछ और होती है, उसके डिसीजन कुछ और होते हैं, उसके बैठना उठना कुछ और लोगों में होता है, तो वो एक अजीब सी खिचड़ी ही पक जाती है। तो अगर कोई बंदा उसी फील्ड का हो, उससे टच हो उसका, तो वो यकीनी तौर पे बहुत सी बारीकियों को समझ जाता है। जैसे आपने समझा होगा इन बारीकियों को। कोशिश करते हैं। कोशिश कर रही हैं आप, कर रही हैं। अच्छा, यहाँ से मैं शुरू करूँगा आपसे और थोड़ी सी इस बात की मैं आपसे पहले से एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है और मेरा इलाज भी हुआ लेकिन उसमें भी डॉक्टर भी फेल हो गए। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि कैसा बचपन गुजरा है जिसने आपको इतना कल्चर्ड कर दिया? मैंने जो आपको अब तक देखा है, घर से आपको मिली है तरबियत सारी? घर से भी पार्टी से इंस्पिरेशन भी है। जो पहला तो जाहिर है घर होगा ना? पहले तो घर जी, घर। उसी में आपके पास फन भी मिला? हाँ। आपको सियासत भी मिली? दोनों चीजें आपको एक घर में? जेल भी मिली। जेल भी आपको मिली? हाँ। जेल तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी के मुकद्दर में लिखी हुई है। आप अपनी जेलें क्यों नहीं बनवा लेते? खुद की जेल।
जब इतना जेल में जाना ही है तो फिर एक जेल ही बनवा लें, पीपल्स पार्टी जेल। मैं इस वक्त अपने बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं वो कह रही थी आप तरबियत की बात कर रहे थे जी। इसमें आपने कहा कि एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर घर पे भी था, तो मैंने लीडरशिप के हवाले से भी जाहिरी बात है वो जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मेरे लिए रहे हैं या तरबियत उनको देखते हुए हम बड़े हुए। तो घर में भी मेरी वालदा, मैं बताऊँ सिंध की पहली वो स्टूडेंट लीडर थी, खातून थी या तलबा थी, जो सिंध की पहली लड़की थी जेल में गई, और शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। और हाँ, और सखर जेल, हैदराबाद जेल, मुख्तलिफ जेल जो है वे हमारे फैमिली के देखे हुए। फिर वो तो था यानी 1769 का ज़माना था। उसके बाद अम्मी की अबू की, अबू भी सियासत में थे, फैमिली सारी। फिर जब अम्मी की शादी हुई और काफ़ी अरसे के बाद मैं पैदा हुई, तो उसके बाद भी 80s का जो भी ज़माना था, हम छोटे बच्चे थे, तो हमारी सारी फैमिली यानी ताई, नानी, चचा, मामू, सारे के सारे ज़िया के दौर में बेशतर वक्त उन्होंने कोट लखपत में, कराची में, हैदराबाद के सेंट्रल जेलों में गुजारा है। तो इस वजह से ये या तो हम इंतजार करते हुए गुजरा है, आपकी यादों में जेलें ज्यादा हैं। बचपन में भी जेलें हैं, जवानी में भी जेलें हैं। आप तो एक जमाने में एक दो खत लिखते होंगे, आजकल कौन सी जेल में हो, कोट लखपत में, आप कहाँ हो, यही होता होगा। लेकिन ये एक इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो जेलें काटते हैं, वो एक्चुअली फ्रीडम के लिए लड़ रहे होते हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे होते हैं, और उनकी अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे होते, वो लड़ रहे होते हैं आने वाले दौर के लिए, किसी और जनरेशन के लिए होती है ये कुर्बानियाँ। तो आपने ये कुर्बानियाँ दी, जेलों में गई, आप भी गई जेल में बचपन में? परवेज मुशरफ का जो भी दौर था, या तो मेरा कोर्ट्स में गुजरा, मेरी लीडरशिप का वैसे ही गुजरा। मैंने तो उनका दौर देखा नहीं, मैं तो बच्चा था उस वक्त। तो मेरे जो लीडर्स थे मोहतरमा साहिबा, वो तो वैसे ही जलावतनी में थी, और उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, रेड वारंट रोज़ निकल रहे थे। हम यहाँ क्योंकि ठट्टा में एक ही सीट थी जो मेरी थी 9 तालुकों में से, तो यू कैन इमेजिन के रोज़ छापे होते थे, रोज़ पुलिस होती थी, रोज़ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुझे न फकत अपनी बेल के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अपने कारकुनों के बेल के लिए जाना पड़ता था। इलेक्शन में छठा वो वाहिद ज़िला था और मेरा हलका वाहिद था, जहां 1,20,000 लोगों पे बेक वक्त केसेस थे, और आधा दिन मेरा हैदराबाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट के उसमें गुजरता था, आधा दिन यहाँ सेशन कोर्ट छठा में हेयरिंग्स पे गुजरता था। यानी इलेक्शन के कैंपेन के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं था, ये सूरत इतनी, इसीलिए आप इतनी बोल्ड हैं, क्योंकि इससे बंदा सीखता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी एक प्रोसेस है जिससे बंदा लर्न करता है। और 3 तारीख को जब अदलिया पर ये एक बहुत बड़ा हमला किया परवेज मुशरफ ने, तो सिंध में हमारी वो दो तीन फैमिलीज थी जिन पर यहाँ विक्टिमाइज उनको किया गया, और मेरे घर की जो बाउंड्री थी, जो दीवार थी, वो भी तकरीबन 500 पुलिस वाले रात को 12 बजे के बाद 3 बजे वहाँ आए, उन्होंने घर की सारी वो दीवार भी हमारी उस दिन तोड़ दी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्ट जो हल्के कर रहे थे उनमें से हमारी फैमिली भी, और पार्टी के हवाले से वैसे भी, लेकिन हमारी फैमिली भी आगे आ गई थी। जी जी, तो 500 पुलिस वाले। हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी जो पुलिस है, जब हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, बाहर के मुल्क में जैसे ही पुलिस देखते हैं तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि यार पुलिस है, अब कुछ नहीं होगा। और जब हम अपनी पुलिस देखते हैं तो हम कहते हैं या अल्लाह पुलिस आ गई, अब कुछ ना कुछ होगा। उमर साहब, लेट मी मेक इट क्लियर कि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है हमने। देख, अब हो गई, अब हुई है बिल्कुल। उसमें ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का भी किरदार है, सीएम, ऑनरेबल सीएम का भी, कोलिशन पार्टनर जो भी बैठे हैं जी, जी। सबका एक यानी मुत्तफ़िका तौर पर सबने मिल करके उसको दुरुस्त करने की सिस्टम को कोशिश की, दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट यू नो टू इम्प्रूव इट। अच्छा, आपका नाम सस्सी ये है ही आपका ओरिजिनल नेम है? हाँ, सस्सी या निकनेम है? नहीं, सबसे संस्कृत का नाम है मेरा, हल्का भी भंबोर, भंबोर ही है। हाँ, ये भंबोर भी उसका पार्ट है। सस्सी ये तेरा लुटिया गया शेर भंबोर। सस्सी ब्रिज, सस्सी टोल प्लाजा जैसे ही क्रॉस करेंगे तो मेरा हल्का शुरू हो जाएगा, कोस्टल गेटवे की तरह वो एक। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी सस्सी की? हाँ, आपके तो इलाका है। हाँ, बड़ी दर्दनाक स्टोरी है। दर्दनाक
स्टोरी है, लेकिन लेकिन सिंध में उमर साहब, सिंध में बल्कि मेरे ख्याल में इस खत्ते में, पाकिस्तान तो बाद में बना है, सस्सी को मुख्तल लोगों ने गाया है, लिखा है उस पर। शाह लतीफ जो सात सूरमियाँ हैं जिसकी सारी पोइट्री उस पर है, yes. उसकी सारी हीरोइंस जो हैं वो ख्वातीन हैं, yes. और सस्सी जदोजहद का नाम है, जदोजहद मुसलसल जदोजहद जिसने कभी भी यानी उम्मीद नहीं छोड़ी। यानी शाह लतीफ कहता है कि अगर तुम चलती हुई थक जाओ, तुम्हारी टांगे काम नहीं करें, तो अपनी बाजुओं के बल पर आगे बढ़ना है। अगर बाजू तुम्हारी जान छोड़ जाए, उससे सकत न रहे, तो तुम अपने यानी सीने से आगे चलती जाओ। अगर तुम में कोई भी यानी वो तहरुक न दे, तो अपनी आंखों से भी अपना सफ़र या अपनी सोच से सफ़र जारी रखो। तो सफ़र जो था बम्बोर से वो निकली थी होत बरोच पुनल के उस खोज में, यानी उसको शाह लतीफ ने एक सिंबोलिक वे में लिया है। लेकिन वो उसको आप अगर दीनी हवाले से देखें तो वो काफ़ी लोग जो इंटरप्रिटेशन है वो उनकी दीनी हवाले से भी, रूहानियत के हवाले से भी है, लेकिन इश्क की भी वो आखिरी यानी एक मेराज की सी वो जदोजहद या मंजिल है जो जिसकी खोज उन्होंने की। ये इश्क आपको हुआ पार्टी से, पार्टी की सोच से, तो उस पार्टी के लिए आप कब से ये कुर्बानियाँ देती चली आ रही हैं? नहीं, मेरा तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में यानी फैमिली से या पार्टी से इंस्पिरेशन तो थी हमेशा से। ये जेलों के बाहर जो इंसार बच्चा करता है उसके तो बचपन से जहन में होगा ना, मैंने तो निकल नहीं सकते कि हमने कौन सा गुनाह किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए भी हमारा बचपन छीना गया। ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जैसे लोगों ने इतने सारे झूठे केसेस और इतने जो एक बनाया हुआ था जहां नज़ीर जैसे लोगों को जो है क्या नाम था उनका, बहरहाल उनको शहीद किया गया, फाजिल राव को शहीद किया गया, फिर वो भुट्टो साहब को जो है तख्तेदार पर चढ़ाया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक सिलसिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुद शहादतों का, लोग उंगली भी कटती है, तकलीफ़ होती है। और यहाँ कुर्बानियों का मेराज यह है कि गला हर दफ़े नया सर अपना वो उस पर रखते हैं पॉलिटिकल जदोजहद में, सही, तो सही। वो रियलाइजेशन आप में वो पैदा होती है कि हमारा कसूर क्या है, किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है कि हमारा बचपन ही हमसे छीना गया। मुझे याद है हम जब गाँव में होते थे, मैं पहली क्लास में थी, तो अचानक फौजी आ जाते थे, हमारे अलिफ़बे की किताबें बचपन जो बच्चे पढ़ते हैं पहली जमायत में वो बोरियों में भरकर वो जाकर हाले जी झील में फेंक आते थे। ये सूरताल थी ऑब्वियसली उसमें फौजी, हाँ उस वक्त ज़िया के दौर में जो है उसकी जो पपट फौज थी या उसमें लॉन्ग बूट वाले थे, ऑब्वियसली किताबें ले जाकर किताबें बच्चों की किताबें तक नहीं छोड़ते थे और स्कूल में बैठे होते थे, वालिद साहब कभी लेने आते थे तो वहाँ से उनको उठा के लेके जाते थे। तो आप समझ सकते होंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में या सिंध में ये रियलाइजेशन फिर उस बच्चे के जहन में होती है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, चाहे वो गांव में हो या उसमें हो। ये घंटों हम कोट लखपत पर, हमारी ईदें काफ़ी ऐसे ही गुजरी हैं, और हमने जब फिर देखा कि शहीद भुट्टो को कत्ल किया गया, यानी एक जुडिशल मर्डर था ऑब्वियसली, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसमें बीच में कई कारकुन, कई लीडर्स, वो मुख्तलिफ लोग जो इस सारी प्रोसेस में गए, फिर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, तो एक आप में आप या तो गिवअप कर लेते हैं या आप कहते हैं ये सारी कुर्बानियों का कोई फेस होना चाहिए, उसका और भी प्रोसेस जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर जब मैं कभी भी मैं उनका नाम लेता हूँ, मैं उनसे मिला हूँ कई मरतबा, मुलाकात हुई है मेरी, परफॉर्म भी किया मैंने उनके सामने, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन दिमाग जो है ना वो शहीद किया गया और ये पूरी कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया। यानी कि नुकसान उनकी फैमिली का, ख़ानदान का तो हुआ ही है, उनके बच्चों को उनको दुख पहुँचा, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, लेकिन जो नुकसान इस कौम को हुआ है ना, एक इतनी ज़हीन लीडर पाकिस्तान से छीन ली गई है। और एक ऐसा ऐसी कॉम्बिनेशन जिसके पास ब्यूटी, ब्रेंस, उसके जो जहानत में भी, शी वाज अ कंप्लीट, लेकिन ख्वातीन में वो बहादुरी जो है, आप रज़िया सुल्तान का सुनते होंगे, झांसी की रानी का सुनते होंगे, जॉन ऑफ आर्क का सुनते होंगे, लेकिन ये हमने अभी अपने ज़माने में अपने आंखों के आगे किसी नहती खातून को
एक यानी मौत को आंखों से आंखें मिलाकर वो खड़ी थी और रावलपिंडी में लड़ते वो गई हैं, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। ये चीज किसी खातून में इतनी सारी खूबियां और इतनी कुर्बानी की सारी मंजिलें, ये बड़ी बात है मेरे ख्याल में। इस सारे अब ये बताइए, जो सस्सी हैं आप मैरिड हैं? जी हाँ। डेफिनेटली आप जब आदमी मैरिड हो जाता है तो उसकी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। हाँ। तो सियासी काम उसके रास्ते में रुकावट तो नहीं बन रहे? मतलब आपका जो घरेलू ज़िंदगी है वो इससे कुछ मुतासिर हो रही है? मुतासिर हो रही है काफ़ी हवालों से, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और एक दूसरे को समझते हो आप, तो मेरे ख्याल, क्योंकि जब मैं सियासत में आई तो मेरा हस्बैंड जो सुहेल उसका नाम है, अच्छा, सुहेल वो बी सिविल इंजीनियरिंग यहाँ से एनईडी से उसने उन्होंने की, तो उसके बाद वो लंदन चले गए थे। अच्छा, जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा तो वो कर रहे थे एमएससी कर रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम से मास्टर्स कर रहे अच्छा, थे अच्छा। तो फिर जब हमने वो वापस आए रहना शुरू किया है तो उसके बाद ऑब्वियसली जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं और एक दूसरे को समझने का भी मौका मिला है। चले अब सेटल है लाइफ। जाहिरी बात है पहले तो एक तरह की दूरी थी, वहाँ थे और मैं यहाँ थी। हाँ। और फिर सियासत और फिर मसरूफियात, जाहिर इतनी बातचीत भी नहीं मिल रहा मौका। लेकिन अपोजिशन वाले दिनों में मैं कोशिश करती थी, अपोजिशन लीडर निसार साहब छुट्टी दे देते थे तो मैं भी चली जाती थी और मोहतरमा साहिबा से भी मुलाकात होती थी, फिर सुहेल से भी, क्योंकि वो उनके क्लोज बहुत रहे हैं सुहेल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के लंदन में। नहीं, ये जो एक घरेलू जिंदगी जब शुरू होती है, हाँ। तो सास नंद ये भी ये अभी तक ये अभी शुरू नहीं, इस ऐसा अभी नहीं हुआ। क्या है? नहीं नंद है? है, है? है, लेकिन उसमें मेरा ऑफिस होता है, मैं ठट्टा में होती हूँ तो ऑब्वियसली वो मेरे जो है मेरा गांव है। हाँ। और सुहेल का जिला जो सखर है पनवाकल है। जी जी। तो मैं तो छट्टा में रहती हूँ और सुहेल जो है अभी पढ़ रहे थे, फिर उनकी जॉब थी बैंक में वहाँ, तो अब हाल ही में वो आए हैं तो ऑब्वियसली अब ये सारी चीजें अब आएंगी नंदे वंदे। हाँ। आएंगी। अब तो आएंगी ये लोग। हाँ, बिल्कुल ये बाज नहीं आएंगे, ये लोग आएंगे। हाँ। लेकिन आप मतलब क्या इन रिश्तों को वो समझते हैं कि ये भी बड़े जरूरी रिश्ते हैं? हाँ, एक एक अब ये पॉलिटिशियन वाली बात नहीं हो रही है, अब ये सियासत। अब मैं एक लड़की, एक खातून, एक बीवी से बात कर रहा हूँ जो कि घरेलू जिंदगी गुजार रही है। सियासत में जो ख्वातीन आती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं नहीं कहती कि नामुमकिन होता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए भी। आप कोशिश करेंगे कि अपनी अगर मुझे उसके साथ कोई सियासत कर अगर मेरे वालिद वालदा सास ससुर जिनके साथ अभी रहना है ऑब्वियसली वो अच्छा अभी रहना है, आपके चेहरे पे फिकर आई है, आपके चेहरे पे मैंने एक फिकर देखी है कि अभी मैंने इनके साथ रहना है। नहीं, रही भी हूँ एक तरह से मैं, लेकिन वो दो चार दिन रही नहीं जितने भी, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े मजहबी भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी सास काफ़ी मजहबी हैं, लेकिन वो भी समझती है और उनकी बैक नहीं होती तो ये जनरल सीट पर आकर पूरे ऐवान में एक ही सीट है मेरी जो डायरेक्टली विन करके आए हैं हम, तो मेरे लिए एक फ़ख्र की भी बात है, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम अपने हल्के में भी गुजारना पड़ता है यहाँ भी, इस वजह से आपने टीवी पर भी मुझे कम देखा होगा, बहुत कम। हाँ। है इसीलिए तो क्योंकि रिजर्व सीट वालों को मैं कहती हूँ, मेरे का इतना टाइम हमारे पास होता था हम सारा दिन मैं भी टीवी पर बैठी हूँ। अब वाकई में आप बहुत कम आती है और खास खास मौके पे आती है और किसी खास जवाब को देने के लिए आती है। हाँ। बिला वजह नहीं आती नहीं। वो एक होता ना आना। हाँ, हाँ। देखे जी मैंने तो कोई चोरी नहीं की, खुदा आगे कसम मैं तो वहाँ खड़ी हुई थी। कितने ताल्लुकात हैं आपके पीएम और नहीं पॉलिटिकल वे में तो सारी बातें पॉलिटिकल आपके हैं, आपका अपना खुद का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, फिर आपके अपने इन लॉज और आप हैं फला हैं, तो शौहर पे तो आपका बहुत रौब हुआ।
सही मतलब ये ना करिएगा, खुदा के लिए कुछ सियासत ना कीजिए। नहीं सुहेल और मैं, सुहेल भाई डरते हैं? नहीं हम, मैं बता रही हूँ, बचपन से साथ पढ़े हैं हम, प्राइमरी साथ पढ़े हैं हम, छठी क्लास साथ पढ़े हैं, सेवन्थ में भी हम साथ रहे हैं। अच्छा, एट्थ के बाद जो है आपने मुनासिब नहीं समझा उनके साथ पढ़ने क्या क्या हुआ था एट के बाद, क्या हुआ एट के बाद? एट के बाद आपको उनकी थोड़ी सी समझ आ गई? नहीं ज़रा, वो दो साल जो है हम हैदराबाद चले गए थे। अच्छा, और फिर वो अच्छा एट में सेवन में आप समझ गई थी कि ये जिंदगी का साथी बन जाएगा यार? नहीं नहीं बिल्कुल, मेरे कजन्स के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप थी। अच्छा। एक तरह से फैमिली फ्रेंड्स भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिशन का था क्योंकि उसमें था कि फर्स्ट कौन आएगा। अच्छा, तो वो जो एक होता है, हाँ, वो बड़ा हेल्दी कंपटीशन हाँ, कि भाई क्या होगा कजन में फ्रेंड्स में फर्स्ट कौन आएगा। हाँ, अब तो ये है ही नहीं। हाँ, अब तो डिसाइडेड होता है क्योंकि क्लास के वो चंद उसमें स्टूडेंट में से सुहेल भी एक जीनियस प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स में से था। हाँ जी, तो वो होंगे ना जीनियस। तो ये लव मैरिज है? ये पसंद की बिल्कुल है, पसंद की है ना। हाँ, क्योंकि फैमिली की भी अंडरस्टैंडिंग, मतलब फैमिली अंडरस्टैंडिंग से वो प्लस लव प्लस अरेंज हो जाती है। वैसे हम, हमारी फैमिली में ये समझना नहीं चाहिए, सिंध पूरा एक ही तरह का है, पूरा पाकिस्तानी, सारे सूबे एक तरह के खूबसूरती हैं हर किसी का कल्चर। लेकिन मेरी दादी कहती थी कि ये जो अपर सिंध के लोग हैं बड़े तेज़ होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। तो ये सुहेल जो है वो सखर से, फौजी छावनी जहाँ पनवा किले यानी पंजाब से करीब, ये तेज लोग, हम लोअर सिंध के हैं जहाँ पानी होता ही नहीं अक्सर, सादे लोग हैं, सादा दिल लोग हैं। तो ये क्या फिर बना कॉम्बिनेशन, वो तेज आप सादे? मेरे ख्याल में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या आप सादे और वो तेज? हाँ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि प्रपोज किसने किया पहले, उन्होंने आपने घर वालों ने? शादी का ख्याल कैसे आया? ख्याल ऐसे आया कि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, सिंध मेडिकल कॉलेज में। जी जी। और मैंने हाउस ऑफ वगैरह नहीं की, मैं कोई प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर नहीं हूँ। फिर उस वक्त जो है उनके मेडिकल कॉलेज में फ्रेंड्स थे और मैं भी कभी कभार एनईडी जाया करती थी, हम साथ प्रोग्राम्स भी करते थे, मुख्तलिफ स्टूडेंट जो ग्रुप्स थे और उन दिनों में मुख्तलिफ हम लेक्चर्स के भी प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हम कर रहे थे। मैं बड़ी एक्टिव रही सिंध मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो वो भी एक्टिव रहा और तो उसमें इंटरेक्शन बढ़ा। मेरे ख्याल में अगर आप उस वेवलेंथ को टच कर जाते या उसका समझ जाते हैं तो फिर, क्योंकि आप समझ गई थी। हाँ, क्योंकि उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि ज़हनी तौर पे वो उसको वो लड़की पसंद आए। हाँ। मेरे लिए भी ये ज़रूरी था कि वो शख्स उसका ज़हनी जो है वो मैार इतना हो, मैार क्या है, मैार हो और वो इंसान की बुनियादी आज़ादी जिसमें इंसान फकत मर्द नहीं औरत को भी वो उतना ही बराबरी का दर्जा दे और उसके भी हर जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो उसके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल जिसको बेसिक राइट्स हमारे कहते थे कहते हैं उसको भी माने लेकिन उसकी एक्सरसाइज पर भी यकीन रखे। घर में बहस तो होती होगी इन बातों के ऊपर? लेकिन उसका सब्जेक्ट दूसरा रहा है, वो फाइनेंस का बंदा है तो ऑब्वियसली मुझे इन चक्करों से दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है। हाँ। अच्छा, क्या कोई पहला गिफ्ट दिया आपको, फूल, कोई शेर, कोई किताब, कोई ख्याल? किताब। किताब? हाँ। देखा, मुझे कैसे पता, मैंने चार नाम नहीं मुझे पता, ये मैं बड़ी तेज, यही तो होते हैं ना गिफ्ट और क्या होते हैं। अच्छा, यही बात होती है? ये नहीं, एक लड़का लड़की एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। किताब दिया आपको? हाँ। क्या नाम था उस किताब का? खलील जिब्रान की थी किताब। अरे इतनी सखील किताब दे दी आपको? नहीं वो रोमांटिक किताब है, आपको पता होगा जो उसका रोमांटिक चैप्टर, अच्छी अच्छी बुक है वो आपने पढ़ी। अभी बताइए कि आर्टिस्ट आपको कौन कौन से पसंद थे, उसमें भी कभी दोनों में बहस हुई? आपने आर्टिस्ट की बात की तो मुझे जो है नदीम, शबनम, दिलीप कुमार और ब्रैड पिट और उसके अलावा जो भी मुख्तलिफ, उमर शरीफ, आप भी उमर शरीफ, वो भी डॉक्टर ज़ुआगो वाले भी, इजिप्ट वाले, इजिप्ट वाले भी, उसकी भी मैंने सुहेल ने काफ़ी मूवीज साथ भी देखी हैं। अच्छा। हाँ, आज सुहेल साहब होते तो एक जिंदा उमर शरीफ भी देख लेते जिंदा उमर शरीफ देख लेता तो आज हमें पता नहीं था, वरना मैं सुहेल साहब के साथ आपको बुलाता, मुझे पता होता तो मैं उसको। मौसीकी में भी आपका जहन होगा ना कोई ना कोई, तो आपके को आप किस किस्म की शायरी पसंद करती हैं, इनकलाबी,
डिपेंड्स कि आप मूड क्या है. मीर तकी मीर भी गालिब काफ़ी अरसे के बाद थोड़ा बहुत समझना शुरू हुआ जब हुआ, तो इसकी उनकी पोइट्री पढ़ने में मज़ा आया. फिर नासिर काज़मी और फराज उनकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी. वाह वाह कितना खूबसूरत शेर है उनका. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. आपको शेर पसंद, आपकी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शेर है जो आपको अब तक याद हो? और नहीं, बहुत सारे शेर तो बहुत सारे. शाह लतीफ़ का पूरा रसाला जो है यानी दीनी तरह कुरान शरीफ हमारे घर में हर जहाँ भी हमारे या हमारे रिश्तेदारों के घर आपको मिलेंगे या फैमिली फ्रेंड्स के, तो वहाँ आपको कुरान शरीफ मिलेगा मुख्तलिफ रूम्स में रखा हुआ या गाँव में भी. उसके बाद इवन मेरी दादी के पास भी. फिर उसके बाद शाह लतीफ़ का रसाला, अभी हमने सचल का भी 80 सालों के बाद शाया करवाया है सचल का भी. और फिर आपको जो है उसमें कबीर भी मिलेगा, आपको फैज़ अहमद फैज़ की बुक्स भी मिलेंगी, आपको मुख्तलिफ और भी उर्दू सिंधी. इस वक्त रऊ सिद्दीकी साहब कल्चर मिनिस्टर थे और मैं उनके साथ एडवाइज़र था, तो हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अवार्ड भी किए थे. हम सिंध में गए थे, मुशायरे भी करवाए थे हमने वहाँ पर, उर्दू सिंधी मुशायरे करवाए थे और हमने वहाँ अवार्ड्स भी किए थे. तो बड़ा खूबसूरत कल्चर है, बहुत ही हमारे कल्चर में चीज़ें हैं, बड़े रंग हैं. अभी हम भी पिछले साल भी हमने दिए थे और वही अवार्ड्स थे शाह लतीफ़, जोश और शेख अयाज़ अभी अक्टूबर में इस साल भी हम दे रहे हैं. आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसको? हाँ, उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं. और लास्ट ईयर मोइन अख्तर साहब को भी मिला था और मुख्तलिफ उर्दू सिंधी मुख्तलिफ जो यहाँ सिंध में रहते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज वाले, उसको जोश जो सिंधी राइटर्स को या आर्टिस्ट को मिला का उसका बनाया था ना, शेख हयास जो है सिंधी आर्टिस्ट को उर्दू के नाम का अवार्ड और जो उर्दू है उनको शेख हयास. फिर शाह लतीफ में भी इस दफा हमने कैटेगरीज बढ़ाई हैं. अच्छा, नई लाए हम. और अभी हुमेरा चन्ना को भी, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी शाह लतीफ का अवार्ड मिलना भी बड़ा एजाज होता है. फैसला तो मैंने नहीं किया, जूरी ने किया, लेकिन इस दफा उनको भी जो है अवार्ड मिला. और कल्चर में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की. यहाँ फंड्स का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ इदारे उस तरह से बने हुए नहीं थे, अभी बनना शुरू हुए. फंड्स नहीं हमारे पास, फंड्स कल्चर मिनिस्ट्री में न होने के बराबर रहे हैं. लेकिन आर्कियोलॉजी हम पहली दफ़ा कंकरेंट लिस्ट में से, आर्कियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो दूसरे जो है महकमों से पहले हमने ले लिया, उस पर काम हो रहा है अभी. ये सारी जो उजड़ी हुई आसार कदीमा हमारे आसार कदीमा हमने देखा जो 63 ईयर्स से फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, कुछ नहीं हुआ उस पर, कुछ नहीं हुआ. हमने तेजी से उन पर सर्वे भी करना शुरू कर दिया है. और अभी चीजें चोरी हो गई वहाँ से, आपको पता है, चोरी मोहनजोदड़ो से भी चोरी हुई है, मोहनजोदड़ो से बहुत चीजें चोरी. हाँ, और रनी कोट कोटरेजी में बार बार गई हूँ. मोहनजो अभी गोरख पर मैंने आते ही हमने लेजिस्लेशन की गोरख पर, उसकी जो है हमने डेवलपमेंट के हवाले से जो है एक वो बॉडी बनाई. और टूरिज्म 18 सालों के बाद मैंने बोर्ड बनाया, 18 साल तक नहीं था. आते ही हमने तकरीबन 10 के करीब नई स्कीम मयानी मुंडजुमड़ाओ ये सारी पहली दफ़ा दी स्कीम्स. उसके अलावा ये सारी चीज़ें कभी पहले नहीं हुई थी. उसके लिए आप देख रहे हैं कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा सस्ती प्लेजो जो के कल्चर मिनिस्टर हैं और सिंध के अंदर बहुत सारा काम कर रहे हैं. और इनकी बड़ी ख्वाहिश यह है कि हम अपने कल्चर को लेकर के आए, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं. हमारे मिनिस्टर्स की सबसे बड़ी मजबूरी होती है हमारे पास फंड्स का ना होना. हमारे फंड्स हों तो हम बहुत आगे लेके चले जाएँ इस बात को. और हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, अवार्ड्स के नए नए अवार्ड्स हुए हैं और उनको कंटिन्यू करना प्रॉब्लम हो जाता है. लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम भी एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं अगर हम खुदा ना खास्ता ब्रेक ना लें. अगर हम ब्रेक लेंगे तो हमारा ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और हमें भी वक्त के ऊपर हमारी मेहनताना मिलता रहेगा. तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं. तो खातून हज़रात इंतज़ार कीजिएगा, बिल्कुल राइट बैक. Welcome back after the break.
खौदन हज़रात, हमारी गुफ्तगू चल रही थी मोहतरमा सस्सी पिलेजियो से, और हम कोशिश कर रहे थे उनसे गुफ्तगू में कि सियासी तौर पे हम उनको इतनी बातें ना करें और हम उनसे उनकी घरेलू बातें करें, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं कि यार ये मिनिस्टर जो होते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, इनके घरों में भी क्या हमारी तरह के मसाइल होते हैं। तो आपने देखा होते हैं, और अभी मज़ीद हम बात करेंगे। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने लगा हूँ, गो के हैं तो नौजवान, लेकिन इन्होंने आँख ही एक ऐसे घराने में खोली जहाँ इनसे पहले म्यूज़िक मौजूद था, और वो भी क्लासिकल, और वो भी वो म्यूज़िक जो कि महारत रियाजत मांगता है। और फिर इन्हीं के घर से एक बड़ी हसीन आवाज़ ने जन्म लिया, और वो आवाज़ थी जो पूरी दुनिया में गई, और वो आवाज़ थी सज्जाद अली की। सज्जाद अली की आवाज़ ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, बड़े हसीन गीत उन्होंने गाए। और फिर उन्हीं के घर से एक और टैलेंट निकला, लेकिन ये ज़रा टैलेंट ज़्यादा इस हिसाब से था कि ये कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल तरीन है, मसरूफ़ तरीन है, और बेशुमार टेलीविज़न की सीरियल, बहुत सारे प्राइवेट वीडियो एल्बम्स और बहुत सारे गीत बनाते हैं। बहुत मसरूफ़ आदमी है, बहुत टैलेंटेड है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे वकार अली। आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं शरीफ शो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और आपका तारुफ़, आपका इनसे तारुफ़ तो हो गई। बिल्कुल, हमारे सिंध गवर्नमेंट में हमारे कल्चर मिनिस्टर, यानी कि आपके मिनिस्टर हैं कल्चर में, क्योंकि आप कल्चरल में आते हैं, तो आप इनके अंडर मिनिस्ट्री में हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। चाहें तो आपके गाने पर पाबंदी भी लगा सकती हैं, ये भी कह सकती हैं आप सही नहीं गा रहे हैं, ये भी कह सकती है, कोई गाना सुनाए। देख, इनको पता क्या मिनिस्टर है ना भाई, ये उमर भाई आर्ट की इतनी कदर करती हैं और ये समझती हैं आर्ट को, इसीलिए ये इस मिनिस्ट्री में हैं और इसको लीड कर रही हैं। मैं गाइबा आगे देखता रहता हूँ इनको, और इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, बहुत मज़े की, बहुत माशाल्लाह समझती हैं ये आर्ट को। आर्ट को समझती हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करती है। मैंने देखा कि इनके अंदर वो नहीं है कि आर्टिस्टों को बुला लो यार, फना आर्टिस्ट इनको बुलाओ, सालगिरह इनको बुला लो, यार बोलने के साथ आपने कभी नहीं बुलाया मुझे, तो ये आप क्या हमें इस काबिल नहीं समझती है। प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि मुशायरे या दूसरी चीज़ें, एक तो हम जैसे आए तो फंड्स उस तरह के नहीं थे यहाँ, मैं तो शायर भी हूँ ना। लेकिन अब जो है इस साल से हमने अच्छा कि अभी शाह लतीफ़ के उस पर भी उर्दू सिंधी सब जो है, अभी हैदराबाद में भी हुआ, उसमें भी अब इंशाल्लाह कराची में हमारे पास ले देकर एक हिंदू जिमखाना था, उस पर बहरहाल कोर्ट में मामला चल रहा है, सब जुड़े से मैं उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन वही एक चीज़ थी, वो अगर हमारे पास होता तो बहुत सारे प्रोग्राम कराची में भी करते, लेकिन आर्ट्स हाउस के साथ भी मिलकर हम करते रहते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। वगार यार, सज्जाद अली को हराने निकले हो क्या तुम घर से? नहीं। क्या चाहते हो उस शख्स को, घर बिठाना चाहते हो अपने भाई को? भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सज्जाद भाई को माशाल्लाह, एक तो ये कि ये काम हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। सज्जाद भाई हैं माशाल्लाह, वो मैं खुद उनका फ़ैन हूँ, और उनकी फील्ड डिफरेंट है, वो माशाल्लाह गाते हैं, और मेरा चूँकि मैं कंपोज़र बाय प्रोफेशन, मैं गा भी लेता हूँ, लेकिन उन्हीं का सिखाया हुआ है, उन्हीं की मोहब्बत है, उन्हीं की ट्रेनिंग है, जो बचपन से मुझे हाथ पकड़ कर वो लेके। आपके वालिद साहब तो फिल्मों में काम करते थे? जी हाँ, मैं भी उनके साथ एक पिक्चर में काम कर चुका हूँ। तो आप लोगों को अदाकारी की तरफ नहीं गए? अदाकारी की तरफ कुछ रुझान था सज्जाद भाई का स्पेशली, बल्कि उन्होंने फिल्म भी की एक और लव स्टोरी, एक और लव स्टोरी। अच्छा, मैं इंटरवल तक समझता रहा इस फिल्म में कोई तमिल हीरो है। इंटरवल के बाद पता चला वो सज्जाद अली है। जी हाँ, वो एक फिल्म बनाई थी बड़े शौक में उन्होंने, और मेरे लिए बड़ा यादगार लम्हा था, बल्कि मैं बैक स्टेज आपको याद करवा रहा था कि मुझे उसमें निगार अवार्ड मिला था उसके म्यूज़िक पर, बेस्ट म्यूज़िक पर, तो वो
वो मुझे आपके हाथ से मिला था। बताओ यार, तो ओ, 10 साल तकरीबन हो चुके इस बात को। मुझे बड़ी उसके बाद हो गई हूं, मैं अपने आसे दे बैठा हूं। याद दिलाई उन्होंने 10 साल पहले की बात। जी हां जी हां जी हां, निगार अवार्ड। जी हां, बड़ी बात है। अच्छा विक्की, मुझे एक बात बताओ यार, हम लोग क्यों नहीं उठाते हैं अब शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम, अपना सूफियाना कलाम उठा करके हम इसका इंट्रो क्यों नहीं बनाते पूरी दुनिया में? अच्छा उस कलाम की खूबसूरती क्या है कि उसमें अमन की बात है, इंसानियत की बात है, मोहब्बत की बात है, अखुवत की बात है, कि उसके अंदर वो शायरी वो नहीं है कि तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तुम्हारी जुल्फें ये हैं, वो काम नहीं है उसमें, काम है इंसान का, फला का। तो ये आप इन चीज़ों पर क्यों नहीं आते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। और हमारा जो प्राइवेट प्रोडक्शंस हैं, जैसे कि एल्बम्स का जैसे काम हो गया, तो जब रिलीजिंग कंपनीज इस तरफ आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा तो डायलेमा ये है कि रिलीजिंग कंपनीज पहले तो यही कह रहे थे कि ये चलेगा नहीं, कोई भी ऐसा काम जो करने वाला होता है। आपदा प्रवीण गाती है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपदा प्रवीण साहिबा जो हैं वो तो माशाल्लाह हमारी लेजेंड हैं, और उसमें ये है कि उनका एक स्टाइल है, वो करते हैं। हम जो काम करते हैं, जैसे मैं जिंगल्स और कमर्शियल्स करता हूं। आप फ्यूजन करें ना, देखिए फ्यूजन एक आपको वो फ्यूजन कर सकते हैं। अली जफर और शहजाद डार ने माई भागी को भी गाना रिमिक्स में फिर से गाया है, उस साजुमन का भी गाया है, वो सिंध में भी बड़ा सुना गया था, कितना पॉपुलर, खड़ी नीम के नीचे। जी हां, अभी राहत साहब ने भी सनम मारवी के साथ जो है वो, अब सनम मारवी आई थी हमारे प्रोग्राम में भी, मेरे ख्याल में इनको भी आस्ते आस्ते ये माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इधर आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, करते रहते हैं। बल्कि आप कोई ऐसा कल्चर मिनिस्ट्री से ऐसा सॉन्ग बनवाएं, हम भी नए अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप करें ऐसा कोई सॉन्ग बनवाएं जिससे जो अमन का सॉन्ग हो, जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन है, या हम लोग जिन क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को, उसके ऊपर कोई सॉन्ग बनना चाहिए, और ऐसे टैलेंटेड नौजवानों को आगे ला करके उससे बनवाएं, अपने मुल्क और कौम के खातिर ये करेंगे। अच्छी सजेशन है ये, इंशाल्लाह मेरी ये मेरा ये दिल की बात है कि अगर ऐसे लोग जाएं दुनिया में निकलें तो हम बहुत सारी बातें अपनी कर सकते हैं। रोमांस जब तक कोई म्यूजिशियन ना करे, कंपोजर ना करे, वो कंपोजर नहीं होता, ये बात सच है। अब इसको अगर आप ऐसे ले लें कि रोमांस पहले तो म्यूजिक के साथ, मैंने तो म्यूजिक से किया रोमांस, मतलब कैसे बाजे से बैठ के इजारे मोहब्बत करते थे, बाजे को खत लिखते थे आप क्या तस्वीर थे उसकी, तस्वीर खींचता था। नहीं सर, मैं म्यूजिक के जहाँ तक सवाल है तो वो ज़ाहिर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सुर हैं, और ये सारा एक तखयलाती एक सिलसिला है। गालिब ने क्या खूब कहा है ना कि आते हैं गैब से ये मजामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये सारा इट्स इन द एयर, मेरा ये मानना है। और हम आपका कभी मैं देखा था टेलीविजन को पर, एक सीरियल में आपका चल रहा था वो जी ना, कोई मुश्किल तो नहीं? जिस बंदे ने भी लिखा ना उसे एक साल पाकिस्तान में ला के रखो तो पता चलेगा जीना कितना मुश्किल हो गया। जी वो पाकिस्तान में ही हैं और अयूब खावर साहब हैं, उन्होंने ये लिखा था यार, और वो तो बहुत परेशान आदमी है। अच्छा, अयूब खावर तो बहुत ही परेशान आदमी है, बड़े मुझे कभी वो खुशहाल मिले ही नहीं, परेशान। उन्होंने कैसे लिख दिया जीना कोई मुश्किल तो नहीं? सर बस वो हैं, इतने अच्छे राइटर हैं। राहत ने बड़ा अच्छा गाया इसको, राहत फ़तेह अली बहुत अच्छा गाते हैं, और माशाल्लाह सब मेरे बहुत से टाइटल सॉन्ग्स राहत गाते हैं, और बड़ी मोहब्बत है उनकी कि वो कभी मसरूफियत में से अपनी वक्त निकाल कर आते हैं और ज़रूर गाते हैं। बिलीव करते हैं स्टार्स के ऊपर? स्टार्स पे बिलीव ना करना तो एक मेरे ख्याल है कि कम अकली की बात होगी। आपका क्या स्टार है? मेरा स्टार सर लिब्रा है, लिब्रा लिब्रा हरीमा जावेद शेख बहुत सारे लिब्रा हैं, लिब्रा जावेद शेख, रीमा और कई लोग हैं लिब्रा। आप तो कैप्रिकॉन है, आजकल आपका रुझान मजहब की तरफ होगा? बैलेंस्ड वे में मजहब भी नहीं, इनके इनके वो आते हैं कुछ स्टेजेस आते हैं, प्रोग्रेसिव भी होते हैं। हाँ नहीं, कुछ आता है इनका, एक कुछ दिन आते हैं ऐसे, को महीने आता है ऐसा। अच्छा, कोई वक्त आता है? दैट आई डोंट नो। नहीं वाकई में ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन, मैं सही बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि आपका जहन मजहब की तरफ जा रहा है, ये तो ऐसा नहीं होता जिंदगी में, हर किसी के साथ ऐसा होता है, यानी मजहब एक हकीकत है। हम सब मजहबों को एहतराम की नज़र से हम और आप देखते हैं, एक लिबरल वैल्यूज पर, लेकिन इस्लाम में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे ख्याल में, तो उस हवाले से अप्रिशिएट भी करती हूँ अपने मजहब को, और उसमें जो दी गई हैं आज़ादियाँ या जो अच्छी चीज़ें हैं। ये जो ख़वातीन के हुकूक हैं, इसके लिए
आप क्या समझती हैं ख्वातीन इस मुल्क में पिस रही हैं हुकूक की जंग में, बहुत ही ज़्यादा बेचारियाँ प्रॉब्लम का शिकार हैं, या मर्दों पर आपको तरस आता है? आपका एंगल क्या है इस बात में? मेजॉरिटी ख्वातीन की पिस रही है और अभी भी सख्त अजाब में है, लेकिन पाकिस्तान के लोग कोशिश मतलब कर रहे हैं। ख्वातीन पिस रही हैं। ख्वातीन के राइट्स को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, नहीं देखना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स हैं। आपके आर्टिकल 25 कहता है कि मर्द औरतों सबको बराबरी के उसमें देखना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट्स पर जितना मर्द का हक है उतना ही एक खातून का है, क्योंकि सारी हिस्से हमारी भी वही है जो मर्द की है। सही बात। तो दिल भी दिमाग भी, तो ऑब्वियसली दिमाग भी दिमाग औरतों का मर्दों का एक जैसा है मेरे ख्याल में। तो मौके मिलेंगे अगर उसी खातून को बराबरी वाले, तो बिल्कुल औरतों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वो सियासत से लेकर साइंस तक उन्हें प्रूव किया है औरतों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती, मिलती है। चार दीवारों में मिलती बंद होती हैं अभी भी, आप देखिए देखिए ऑनर किलिंग में जो है ख्वातीन ज्यादा मरती हैं अभी भी, अनफॉर्चुनेटली ये दैट्स नॉट अ ट्रेडिशन ऑब्वियसली, देखिए और कल्चर भी नहीं है लेकिन सुन्नी खास तौर पे, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए हम यहाँ बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, आप बैठी हैं, आप खातून हैं और आप मिनिस्टर हैं, हम में से कोई भी नहीं कितना आदमी बैठा लेकिन कहाँ पिस रही है? मैं बताऊं, पिसा हुआ तो ये बैठा है आपके बराबर में, पिछला हुआ बैठा हुआ, पिछला हुआ। इन जैसे नौजवानों के लिए ये पहली दफा हर जिले में कल्चरल कॉम्प्लेक्स हम ला रहे हैं कि सिंध में एक तो वो जो लिबरल हकी जो सूफीज्म जो सिंध का असल में जो फेस है जो शक्ल है जिसकी बादशाह ने सचल ने और कलंदर ने और जैसे पंजाब में वारिस शाह बाऊ सबने भी अपने अपने तरीके से उन वैल्यूज को परखा है, उस पर गीत बनाए हैं, शायरी की है। तो वहाँ भी हमने अभी में पिछले महीनों घोटकी भी गई थी कि फ़कत कबायली रस्मों की वजह से कारोकारी की वजह से ये इलाके मशहूर या बदनामा दाग न बने, यहाँ भी उनको मौके अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट में दें और वहाँ भी स्टेज और जो थिएटर हो और मुख्तलिफ शक्लें हों परफॉर्मिंग आर्ट की गानों से लेकर मुख्तलिफ आर्ट के, तो वहाँ भी न फकत मर्द लेकिन ख़वातीन भी निकलेंगी। तो अभी भी हम देखें मिट्टी में अभी टंडोलाहर में उमरकोट में ठट्टा में बेनज़ीर आबाद में लारकाना में ओपन थिएटर अभी हमने इफ्ताह कर दिया है, उसमें अभी पूरे सिंध के तकरीबन 23 अजला में पहली दफ़ा एक बहुत यानी जिसमें ऑडिटोरियम भी होगा जिसमें आर्ट गैलरी होगी म्यूजियम भी होगा, तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट के लिए एक बहुत बड़ा हम स्टेज दे रहे हैं और पूरे सिंध में। तो मेरे ख्याल में ये एक नई चीज़ है। हम लोग अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं यार, हमारे मुल्क के लिए हमें करना चाहिए। मैंने ये बड़ा रहता है कि यार हमें पता चला जी राहत फतेह अली खान हिंदुस्तान जाते तो हिट हो जाते, पाकिस्तान में रह रहे तो कवाल है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, नहीं ये एक हकीकत है, माने देखिए हकीकत को नहीं झुटलाएं, जब वो यहाँ रह रहे हैं तो वो राहत फतेह अली खान कुछ नहीं है, हिंदुस्तान जाते वो राहत फतेह अली खान बन जाते, अदनान समी यहाँ रह रहे कुछ भी नहीं है, वहाँ जाते अदनान समी बन जाते, ये क्यों है? नहीं सर मैं बिल्कुल आप ये तासुर है लेकिन ऐसा है नहीं, इसका हकीकत से ताल्लुक यूँ नहीं है कि अदनान समी खान पाकिस्तान में ही अदनान समी खान बना था और उसने अपना टैलेंट दिखाया था और वो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन है और कंपोज़र है और उन्होंने यही दिखाया और यहाँ लोगों ने माना, उसके बाद ही वो वहाँ गया। राहत फतेह अली खान लेकिन ने यही किया था, जो उसको रिस्पेक्ट जो उसको कीमत और जो उसको सब कुछ वहाँ मिला वो यहाँ नहीं मिला। नहीं सर ऐसा नहीं है, वहाँ भी मिलता है, वहाँ चूंकि जरा ये इसमें कैनवस बड़ा है। शशि जी मैं आपसे पूछता हूँ इसमें किसकी कमजोरी है, मिनिस्टर कमजोर है, गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम है, क्या है कि हमारे आर्टिस्ट हर किसी टैलेंटेड जहन को या बंदे को ज़रूरी नहीं है कि जब तक प्रोजेक्शन न हो या प्रमोशन न हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। कोई माई भागी को तो कोई इतना किसी ने बैक नहीं किया था, आबदा परवीन भी अपने तरीके से आगे आई थी, लेकिन रियासत की एक इदारों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, होती है। बिल्कुल है, तभी तो हम अभी पहली दफ़ा मुख्तलिफ प्रोविजन्स बना रहे हैं, लेजिस्लेशन में आ रहे हैं इदारों को, और भी 18 सालों के बाद बोर्ड बना रहे हैं और एंडोमेंट फंड रख रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट्स को जो वसी कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज
ہیں, یا ابھی مختلف آرٹ کاؤنسل جو مختلف شہروں میں پہلی دفعہ کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا, فقط کراچی حیدرآباد میں آپ نے سنا ہوگا, اب ہم مختلف شہروں میں لے کے آ رہے ہیں, تو اس میں اپرچونیٹی اب جو اسکوپ جتنا بڑھے گا تو ان کی پروجیکشن بھی اتنی ہوگی, پھر ضروری نہیں, ہندوستان کی مارکیٹ آبادی کی وجہ سے ہم سے زیادہ بڑی ہے, بہت بڑی مارکیٹ, اور ان کا کیونکہ ان کے مذہب میں یہ سارے رنگ ہیں, میوزک ان کے مذہب میں, لیکن ہمارا پاکستان بھی بہت رچ ہے, جتنے بھی آپ نے خود گنوائے نام بتائے, راحت فتح علی, عدنان سمیع خان, یا اب جو آ رہے ہیں ہمارے مختلف لوگ, تو یہ پاکستان کی دھرتی سے آئے, یہ ٹیلنٹڈ ہے, اس کے بھائی کو دیکھیں آپ, اس کا ٹیلنٹ دیکھیں آپ, ان کے بھائی کو دیکھیں آپ, ایک حسین ترین آواز کا مالک ہے وہ آدمی, لیکن یہاں سے وہ دل برداشتہ ہو کر کے پاکستان سے چلا گیا, نہیں ان کو مواقع ملنے چاہیے, دیکھیے شارجہ چلا گیا وہ آدمی, سر وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے, اور بھائی آج تو آپ نے ساری کسر نکال دی ہے, سوچ رہا ہوں دل برداشتہ نہیں ہوئے, وہ پاکستان میں ہی ہیں ایسا سمجھیں, مطلب وہ پاکستان ہی جام ہو رہے ہیں, نہیں وہ تو وہ دبئی رہے, کیونکہ پہلے بھی آتے جاتے رہتے تھے, پاکستان تو نہیں ہے, دبئی اس کا ویزا, جی ہاں بالکل بالکل, آپ کہہ رہے ہیں وہ رہ تو پاکستان میں, وہ آتے جاتے رہتے ہیں اور بالکل ملتے رہتے ہیں, اور یہاں شوز بھی کرتے ہیں, وہ ایسے نہیں کہ وہاں چلے ہی گئے, نہیں کوئی بات ہوئی نا یار, ہم کھل کے بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس بیٹھی ہوئی منسٹر, ہم ان سے کوئی ڈیسیجن بھی تو کروا سکتے ہیں نا یار, آپ بات سمجھ نہیں رہے, بیٹھی ہوئی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فنکاروں کو یہ مسائل ہیں, بالکل ہے, فنکاروں کا سب سے پہلا مسئلہ فلم کا ہے, انڈیا میں فلم ہے اور وہ بہت بڑی ہے, یہ وہ انڈسٹری وہاں سے فلم نکال رہے ہیں, بول بول کے تھک گیا ہوں, فلم انڈسٹری زوال کا جو ہے شکار رہی ہے کچھ عرصے سے, اور صدر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا, جتنے بھی محدود وسائل ہیں, کیونکہ پہلی ضرورت ہمارے لوگوں کی, پرائم منسٹر صاحب نے 5 کروڑ روپے کا اناؤنس, نہیں ابھی اور بھی کلچر منسٹر پہلی دفعہ آئے ہیں, آفتاب شاہ جیلانی صاحب, میں آپ کو بتاؤں فیڈرل منسٹر پہلے کوئی نہیں تھا, اب ان کے پاس میں نے میری اب پھر ان سے ملاقات بھی ہوگی, اگر میں نیکسٹ ویک اسلام آباد جا رہی ہوں اس پہ بات, تو اس پر بھی کیونکہ فلم جو ہے یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, منسٹری کا اس کے انڈر میں آتا ہے, تو آبویسلی یہ گورنمنٹ جو ہے لبرل اس پہ یقین رکھتی ہے اور پروگریسو سوچ کی مالک ہے, اور ہماری قیادت خود محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, بھٹو صاحب کے دور میں کافی چیزیں ایسی ہوئی جو پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی, تو یہ جو میں بتا رہی ہوں کلچرل کمپلیکس اور آرٹ کاؤنسل, اور یہاں کراچی میں ہم 3-4 پروجیکٹس بہت بڑے بنا رہے ہیں, تو یہ سارے یوتھ کی اپرچونیٹیز کے دروازے اور بھی کھلیں گے, نفقت ہاں نفقت کراچی, حیدرآباد, سانگڑ, تھرپارکر, سارے لوگوں کو ایکول بیسس پہ جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے نا اپنے چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, بالکل, اب ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ کہیں اور جا کے اپنے آپ کو پروموٹ کراتا ہے, وہاں سے ہٹ ہو کر آتا ہے, پھر یہاں پیسے کماتا ہے, اس کو اچھی چیز پازیٹو وے میں بھی دیکھنا چاہیے, کہ یہ ہمارے لوگ ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے نا, تبھی تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں سامنے والے ان کو جو ہے اپنانے پر, یا ان کو اپنے پروڈکشن میں, دیکھیے ان کے پاس نہ ایک راحت فتح علی خان ہے, ان کے پاس نہ کوئی عابدہ پروین ہے, ان کے پاس نہ کوئی عاطف اسلم ہے, ان کے پاس نہ کوئی سجاد علی ہے, تو شفقت بھی ان کے پاس نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ہی لینا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہمیں کریڈٹ بہت زیادہ ہے, ہم لوگوں نے یہاں بغیر فلم کے ہوتے ہوئے چھوٹی اسکرین کے اوپر اپنے پیسے لگا کے اپنے ویڈیوز بنا کے یہاں کے آرٹسٹ نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا ہے اور منوایا ہے, میں آج یہاں اتنے سو آرکیسٹرا لے کر ڈراموں کا میوزک کر رہا ہوں, کٹ کر رہا ہوں, میری بات یہی ہے کہ آپ کیوں اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ایک ادارہ ہونا چاہیے جو آپ کو پروموٹ کرے, ادارے بنے نہیں ہوئے تھے نا, وہی بات ہے, پہلی دفعہ ادارے لا رہے ہیں نا, پہلے ادارے ہی نہیں تھے, اگر کوئی ادارہ ہوتا تو اس میں دیکھیں آپ پہلی دفعہ کوئی فیڈرل منسٹر, یعنی ہم ایک طرح جنگی صورتحال کو بھی فیس کر رہے ہیں, ہمارے یہاں فائنانس کا بڑا اس وقت تو فیس بڑے کھلے ہوئے نا, ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز ٹیررزم ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ جو اسپیکٹ ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو میرے خیال میں اس میں تقریباً 1-2 سال میں بہت بڑا فرق پڑ جائے. اچھا میں ایک آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ اس سے ایگری ہوں تو صرف کلیپ کر دیجیے گا, ہاں یا نہ مت کیجیے گا. دیکھیے کسی بھی ملک میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو ذہنی انتشار سے بچانے کے لیے انٹرٹینمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس آگ کو بھجا دیتی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہر شعبے میں, وہ ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, فلم ہو, تھیٹر ہو, ایک انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس جگہ پہ جاتے تھے اور 2-4 گھنٹے بیٹھ کے
खुश होकर के उनका वो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होता था और उनके अंदर कोई और चीज़ जन्म नहीं लेती थी और कोई चीज़ वो सोचते नहीं थे क्योंकि उनको वो आर्टिस्ट इंगेज करता था। तो क्या ये कमी ने फ्रस्ट्रेशन के वजह से क्राइम और ये जितना टेररिज्म है ये बड़ा नहीं है, इससे आप क्या कहेंगी, इत्तफाक करेंगी आप इस? मैं इत्तफाक भी करूंगी। आपने क्लैप नहीं करी, क्लैप नहीं करी। इत्तफाक भी करूंगी और क्लैप भी करूंगी। डेफिनेटली इट कैन प्ले वाइटल रोल और इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस ऑब्वियसली बहुत ही हवालों से, क्योंकि ये रंग और ये जो चीज़ें हैं एक किस्म का आपको एक रिलीफ भी मुहैया करती हैं ज़हनी और दिली और इस लिहाज से। इसमें जो भी चीज़ जितनी भी होनी चाहिए वो उतना कम है। यही वजह है, मैं फिर एक दफ़ा दोहराऊंगी कि यही वजह है कि न फ़कत हमने बड़े शहरों को टारगेट किया है, हमने छोटे शहरों को भी लिया है और वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन। हाँ, क्योंकि सारे लोगों की दिमाग की खिड़कियां खोलने की अशद ज़रूरत है और एक्सट्रीमिज्म से बचाने की भी ज़रूरत है। उसमें ये मीडियम जो है बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है। इसको इनकरेज करने की, इसको प्रोजेक्ट करने की, प्रमोशन की बड़ी ज़रूरत। और गाना जैसे ये वकार हैं, ऐसे टैलेंटेड लड़के, ये एकेडमिक हैं, ये अगर चाहे ना तो ये लोगों में बड़ा शऊर बेदार कर रहे हैं, आगे ही दे रहे हैं ना। अभी तो अभी हमने आर्ट्स काउंसिल के फंड्स भी जो रिलीज़ किए और उनके रेनोवेशन के लिए भी हमारी मिनिस्ट्री ने, आपने देखा कि आर्ट्स काउंसिल की शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। आप देखें, वेरी नाइस। आर्ट के जरिए आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं इसके। बिल्कुल, एक किस्म की जो सफोकेशन है इसका तोड़ जो है, उसको एक किस्म की तलवार जो है वो आर्ट की सूरत में लगेगी। तो क्योंकि सूफीज्म खुद जो है, जो हमारे और आपकी जो है एक, हाँ, एक सिंबल है इस धरती का, वो खुद एक्सट्रीमिज्म के साथ सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाई और बड़ी देरपा जो है जंग, वही वो आइडिया कर सकता है। और मेरे ख्याल में उसको उसको प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहिए। आपको इसके अंदर वो करना चाहिए। बिल्कुल, वो कर रहे भी हैं। और उसमें अभी कराची में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी पहली दफ़ा वो भी, तो उसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल सिनेमाज भी अभी नेक्स्ट ईयर से खुलेंगे ज़्यादा, तो काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री भी इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। नई जो अब आ रहे हैं टैलेंट, इनसे आपको उम्मीद है कि ये इनमें से क्या हमारे पाकिस्तान का ये फिर कोई राहत अली खान, फिर कोई नुसरत फ़तेह अली और फिर कोई अदनान समी, फिर कोई आबिदा परवीन, ऐसे हैं कोई क्यू में लोग? नहीं, और भाई ऐसे नज़र तो नहीं आता। अब ये हो सकता है कि अगर आएंगे तो वो ज़ाहिर है मीडिया पे नज़र आएंगे, मुझे तो अभी कोई ऐसा। आपका विजन क्या है? आपने जो ये ड्रामों के सॉन्ग्स बनाने शुरू किए हैं, तो ये आप इससे आप क्या क्या देना क्या चाह रहे हैं आप? सर थीम सॉन्ग कहलाता ना ये? जी हाँ, जी हाँ। हम यहाँ सबसे पहली तो मेरी ख्वाहिश ये थी, जो मैं उसमें कामयाब हुआ, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, उसका लाख लाख शुक्र है, कि एक ज़माने में इंडिया से गाने बनना शुरू हो गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ गाने वहाँ बस थोड़े बहुत ही बन सके। लेकिन हमने यहाँ, मैंने और कंपोज़र्स ने भी यहाँ वो क्वालिटी दी है कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। यहाँ हम लोग इतने कम ऑर्केस्ट्रा के साथ हम वही चीज़ और वही चीज़ यहाँ पैदा करके देते हैं। अगर इस मुल्क ने हमें काफ़ी दिया है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हम भी इस तरह से अपनी सर्विसेज के ज़रिए देते रहें कि अच्छी मेलोडीज़, अच्छी कॉम्पोजिशंस, ये नहीं कि हम छुपा लें या इस तरह कर लें, हम देते हैं। शादी हो गई आपकी? जी हाँ, मेरी शादी अभी रिसेंटली 15 साल हुए। मैं आपसे ताज़ियत करता हूँ, अफसोस का इजहार करता हूँ। तो कैसी चल रही ज़िंदगी आपकी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और मौला पंचतंत्र पाक के सदक़े में जो भी अल्लाह ने मुझे दिया है, बहुत दिया है, उसका लाख लाख शुक्र है। टैक्स देते हैं? और जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों का नसीब है, मेरी चार बेटियाँ माशाल्लाह, और मेरी बीवी का नसीब है, उसकी मेहनत है, उसने मेरे साथ वो कदम मिलाकर चली और उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माँ की दुआएं हैं, ये सारे जाहिर है सबकी होती हैं, मेरी भी हैं, ऐसी ही ज़िंदगी है। सजाद भाई की टीचिंग है और उनकी उनकी भी सपोर्ट है। रोमांटिक हैं आप, जाहिर है कंपोज़र का रोमांटिक ना होना बहुत बड़ी बदनसीबी होती है। बिल्कुल, मैं बहुत रोमांटिक हूँ। तो जाहिर है लव मैरिज हुई होगी? नहीं सर, लव मैरिज हुई मेरी बिल्कुल एक अरेंज मैरिज थी और बहुत उसके बाद लव मैरिज में तब्दील हो गई। शादी के बाद रोमांस हुआ? जी हाँ बिल्कुल। ये कामयाब तरीन रोमांस होता है जो शादी के बाद होता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो जीवन साथी मिला वो ऐसी खातून है कि जो जिन्होंने मुझे भी मिला? जी ऐसे शायराना अंदाज में ऐसी कहा जाता है। मिला?
वो मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको। नहीं मिली या मिला? मैं उनको मिला, वो मुझे मिली। अच्छा, मेरी जान निकल गई यार। नहीं नहीं ऐसा अभी नहीं हुआ सर, और मैं इस किस्म का नहीं, इतना रोमांटिक नहीं हूँ। शायद आपकी शादी सैन फ्रांसिस्को में हुई है। हम लोग तो इस वक्त इनको बिठा करके मिस्टर साहिबा को सिर्फ और सिर्फ एक बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि किसी तरीके से पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑन होना चाहिए, हर सतह पे होना चाहिए, हर मीडियम से होना चाहिए, ताकि रिलीफ मिले। देखिए लोगों के पास रिलीफ नहीं है, हम तंग आ गए टॉक शोज़ देख देख के, उसमें बहस, उनमें वादे, उनमें झूठ, उनमें इल्ज़ाम, और हर टॉक शो ऐसा होता है। लोग देखते क्यों ड्रामों से ज्यादा, तो वो बड़े एंकर मशहूर हो गए। हाँ। एंकर ज्यादा पैसे ले रहे हैं आर्टिस्टों से ज्यादा। तो लोग ऐसे करते हैं ना, 30-30, 40-40 लाख रुपए ले रहे हैं माशाल्लाह एंकर्स। तो आप कोई एंटरटेन करें पब्लिक को, मेरा आइडिया ये है। बहुत अच्छा है, और इसमें इंशाल्लाह सर ये बिल्कुल आपकी बात बहुत दुरुस्त है। और जहाँ तक आर्टिस्ट का सवाल है, तो वोकलिस्ट माशाल्लाह बहुत है हमारे पास, साथ उसके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होता है, जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो एक तो ख़त्म होते गए आहिस्ता आहिस्ता, और बाकी जो है वो ख़त्म होने का खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं म्यूजिशियंस हमारे यहाँ। आज मैं सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगता हूँ, तो मुझे अगर फिलहार्मोनिक तो खैर बहुत आगे की बात है, अगर मुझे कुछ 12 म्यूजिशियंस, एक वाले वायलिनिस्ट चाहिए, विंड इंस्ट्रूमेंट्स के लोग चाहिए, वो मौजूद हैं, लेकिन वो इतने कम हैं अब के लोगों को। अब साथ वाले मुल्क में हमारे सारंगी ख़त्म हो रही थी, तो उन्होंने वजीफ़ा भी दिया और सारंगी सिखवाई भी। 2,500 जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 साल सारंगी करके 2007 में फारिग हुए थे दिल्ली से। तो अब सारंगी वहाँ नहीं ख़त्म होगी, पाकिस्तान में तो है ही नहीं अब। हमारे यहाँ सारंगी बजाने वाले 1-2 लोग हैं, वो भी बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अब मर रहे हैं। और अभी गुज़िश्ता साल हमने भी एक लिस्ट बनाई है, और कोशिश ये कि एक दो, जब तक कल्चर कॉम्प्लेक्स में भी एक जो है हमने पोर्शन जो है म्यूज़िक अकेडमी टाइप रखा है, लेकिन 2 बड़ी म्यूज़िक अकेडमी जो है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अभी एक तो समरी सीएम साहब के पास भी है जो हैदराबाद में है, उसमें हमने एक पोर्शन जो रखा है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे हैं जो अभी ख़त्म होने का एक डर है, तो उनको फिर से जिंदा किया जाए, या उसको जो उसमें जो वही बात उन्होंने कही, वही बात आप कह रही हैं, बहुत अहम बात है कि वो जो हमारा और आपका एक तशख्स था, या हमारी पहचान थी हमारे राग की, हमारे जो म्यूजिक की, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा बांसुरी है, हमारे तबला है, वायलिन है, सितार है। अब शाह लतीफ़ के जो शायरी में इंस्ट्रूमेंट्स जो मेंशन किए गए हैं अभी बहुत सारे अभी नहीं है वो, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन हम रखें, हाँ, पहले से अकेडमी वगैरह बनी हुई होती है, हमारे लिए बड़े आसान होता, लेकिन खैर पहली दफ़ा हम ही करेंगे शुरू, तो ये भी। और जिस एज के अंदर इस वक्त वक़ार हैं, वक़ार जैसे नौजवान अगर इस काम को करेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बहुत ही फायर है इनके अंदर। हाँ। और बहुत स्पार्क एनर्जी है, एनर्जी है, विल है, इनके पास टाइम बहुत है, और टैलेंट है, और टैलेंट है, और टाइम इनके पास बहुत है। अभी तो यंग है, आप तो बिल्कुल यंग है, तुम्हें शादी क्यों कर ली? आप कितने साल के हो गए अब तक सर? आई एम 38 नाउ माशाल्लाह। 48 ना कहे, मुझसे तो 2 साल बड़े हुए ना, 2 साल बड़े हैं, क्यों मसला है? वकार, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमें एक ऐसा गीत चाहिए। मतलब मैं तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से भी मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई, आज फिर कर रहा हूँ, कि आप एक बड़े साइंसदान हैं, आपने एटम बम क्यों बनाया? एक तो वो बम बना हमारा, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ गई, इन्होंने बम बना लिया, बम बना लिया, अब वो बम रखा हुआ है, अब उसकी हम ज़ियारत कर सकते हैं, चला नहीं सकते, हालात दुनिया हमारे पीछे पड़ जाएगी। यार अगर आप कोई अमन का, कोई प्यार का, कोई मोहब्बत का, कोई सुकून का, कोई चैन का, कोई यकजहती का ऐसा कोई बम बना देते, कोई इंजेक्शन बना देते, कोई टैबलेट बना देते, सच बोलने की कोई टैबलेट बना देते, तो मज़ा आ जाता। ये मेरी ख्वाहिश है। नहीं, ये भी ख्वाहिश ज़बरदस्त है, लेकिन ख़त्ते में एटॉमिक पावर के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है, जो तवाज़ुन अभी है उसको रखने, और हमारा दुश्मन या पड़ोसी ममालिक
कोई भी एटमी अटैक करने से पहले हज़ारों मरतबा नफक सोचते होंगे, नहीं कर सकते। तो ये जो है बैलेंस, ये उसके नेगेटिव साइड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोग जो है उसके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं उसके हवाले से भी सोच मेरा ज़हन एक अमन पसंद आदमी का ज़हन है, लेकिन उससे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन दुश्मन पर निगाह भी हमें रखनी है। इस वजह से अपना जब हमारा ऐसा दुश्मन है, हम वहाँ जा जाके गा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिल्में भी बना रहे हैं, हम उनके अदाकारों को यहाँ भी बुला रहे हैं, और फिर आप उन्हें दुश्मन भी कह रहे हैं। इंडिया को दुश्मन थोड़ी, मैंने नाम तो लिया ही नहीं किसी का, अभी तो ले दिया। खत्ते में जो मुख्तलिफ जो है ऐसे लोग जिनसे खतरा भी है, वेरी क्लोज इंडिया जो भी है, लेकिन अभी तो हमने भाईचारे के हवाले से भी काफी पेश। मैं वही बात करना चाह रहा था, दुश्मन हम नहीं समझना चाहते किसी को, लेकिन दुश्मन नहीं, आई मीन के हमें काश मोहब्बत बढ़ाने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ ब्रिज बने मोहब्बतों के, प्यार के। ये भी एक अहम चीज़ है, ये भी होना चाहिए, लेकिन प्यार के ब्रिज बने। देखिए प्यार का ब्रिज बने, यहाँ से प्यार से लोग जाएं, वहाँ से लोग प्यार से आए, वो ब्रिज उड़ाए ना हम। मैं ये चाहता हूँ, मेरा दिल ये है, मैं वो नहीं चाहता कि देखिए आप दो टैलेंट वहां से बुलाएं, दो पाकिस्तान से बुलाएं, बीच में छोड़ दें, मुकाबला कराएं, कंपटीशन कराएं, म्यूचुअल किस्म का जो है वो होना चाहिए। ये ना हो फकत हो के फकत एक ही के लिए एक मार्केट हो, लेकिन दोनों जो है दोनों के लिए एक्सचेंज होना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो बढ़ना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मतलब इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वी आर नॉट गवर्नमेंट। लेकिन इसमें आप देखें, मैं सॉरी लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, वो काफी हवालों से पॉलिसीज में रिजिड रहा है। अभी हमेशा हम पर उंगलियां उठाता था, देखे आप कॉमनवेल्थ की गेम्स में जो है उनके साथ क्या हो रहा है, हम इतनी प्रोपेगेंडा नहीं करते जितनी वो हमारे क्रिकेटर के साथ जो भी हो रहा था सारे चैनल्स पे बैठकर। वो तो इंडिया की पूरी पॉलिसी थी, उसकी हम मजम्मत करते, वो इंडिया की पॉलिसी थी पूरी, वो पूरा गेम था, वो लड़के इतने कसूरवार नहीं थे, इतने इन्वॉल्व नहीं थे जितना उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, बहुत प्रोपेगेंडा की उन्होंने, बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। तो ये क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हमारी कमजोरियां हैं। देखिए मैं इन बातों के साथ ये लंबी बहस हो जाती है। मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ कल्चर के हवाले से बहुत सारी बातें की, इन्फॉर्मेटिंग बातें भी थी, उनमें से कुछ ऐसी बातें भी थी जो हमें नहीं पता थी, इन्हें नहीं पता थी, और वक़ार का मैंने बुला करके इसलिए आपको बताया कि ये एक ऐसा टैलेंट है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म के जो टैलेंटेड नौजवान हैं उनको यूटिलाइज करें, उनको भेजें, ट्रुप्स के ऊपर भेजें, इनको इनके जो है ना डेलीगेशन बनाएं, उनको भेजें, उनको ये लीड करें, और ये जा करके इसको परफॉर्म करें और बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितना टैलेंट है। इससे ब्रिज भी बनेगा, इससे ताल्लुक भी बनेगा। यहाँ मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सोच रहा हूँ मैं ये करूँ कि पहली पाकिस्तानी एक सिम्फोनिक पीस जो फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मैं कंडक्ट करना चाहता हूँ, मैं बजाना चाहता हूँ, और अपने रागों को और अपना म्यूज़िक उसमें प्रमोट करूँगा, लेकिन उसको सुनेगी दुनिया इंशाल्लाह। लेकिन बस यही है कि उसमें ज़ाहिर कोई चैनल्स भी और वो इनिशिएटिव उस तरह से नहीं ले रहे, तो लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ, आई एम वेटिंग फॉर इट, और नहीं होगा तो मैं अपना ही ज़ाहिर है अल्लाह ने बहुत दिया है इंशाल्लाह ताला उसको इस्तेमाल करते हुए वक्त निकाल कर मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। उसमें ज़रूर गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करनी चाहिए कि एक आर्टिस्ट, एक कंपोज़र जो कि बड़े लेवल पर, जो कभी भी नहीं हुआ कि फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा आप रिकॉर्ड करें और वो पीस एक दफ़ा का बच जाएगा, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं चाइकोस्की, चॉपिन, बाख, बिथोवन, हम भी कुछ करना चाहते हैं तो, लेकिन हमें ये एक सप्रेस हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं उसके बाद। बना हुआ था पहले, लेकिन उस पे हम बिल्कुल आपका साथ भी देंगे इंशाल्लाह आपके साथ। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे मेरा जहन ये है कि हम जितना भी हमारे अंदर है, हमें ये नहीं देखना है गवर्नमेंट कौन सी है, किसकी है, कौन सी पार्टी है, कौन पार्टी नहीं है। पाकिस्तान तो रहेगा ना, ये सही बात है, पाकिस्तान ने तो रहना है, इस फ्लैग ने तो इंशाल्लाह रहना है। पार्टियां अपने अपनी सलाहियतों से आती रहेंगी, जाती रहेंगी इंशाल्लाह, और इसी मुल्क में हुकूमतें करती रहेंगी, लेकिन मेरा देश तो रहेगा, मेरी ज़मीन तो इंशाल्लाह रहेगी। तो पाकिस्तान रहे और हम अपनी बेहतरीन सलाहियतें अपने मुल्क को देते रहें, उसकी शान बढ़ाते रहें। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं,
कि लोग अपने अंदर तहमुल पैदा करें, सब्र पैदा करें, टॉलरेंस पैदा करें और इतने बेसब्रे ना हो जाएं, ऐसा ओवर रिएक्ट ना करें आप कि मैंने मुद्दतों में अपनी पैसा पैसा जोड़ के एक गाड़ी खरीदी है और एक कोई डिसीजन गलत हुआ, किसी से भी हुआ, आप उठा के मेरी गाड़ी जला दें। ये बहुत काम खुदा की बात आपने, बहुत अच्छी बात, बहुत खुदा के लिए ये ना करें। वो पता नहीं उसने क्या क्या, उसमें उसकी माँ के जेवरों की कीमत भी होती है, उसके बहन के जेवर भी लगे हुए होते हैं उस गाड़ी में, उस घर में, उस कारोबार में, उसे मत जलाइए। आप अपना एहतजाज, मैं आज गवर्नमेंट से, मिनिस्टर साहब बैठी हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर एक हाइड पार्क है कि आपको कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, एनी कंप्लेन, आप वहाँ जाते हैं, आप वहाँ जाके एहतजाज करते हैं, आपको वहाँ पे कैमरे लगे हुए, वो आपका एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, उसको मीडिया पे देते हैं और आप दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। इवन देन आप क्वीन को भी कुछ कह सकते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट पाकिस्तान एक ऐसी जगह बनाए जहाँ लोग जा कर के एहतजाज करें, ताकि ये सड़कों पे गाड़ियाँ, ये दुकानें ना जलें, ये लोग ना मरें, बल्कि एक एहतजाज का तरीका फिक्स कर दिया जाए। ये मेरी, मैं कहता रहता हूँ कि ताकि लोगों, असल में लोगों को सिविलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, अच्छा मैसेज है ये कि वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये जो जलाना और रेडी वाला वो छाबड़ी वाला और सब, पता नहीं 2-4 हज़ार रुपये से वो ठेला लगाया होता है, वो 2 मिनट में उलट जाता है, जल जाता है, उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। जी हाँ, तो प्लीज़ हम एक अच्छी नेशन हमें जब भी बन सकते हैं जब हम दूसरे का ख्याल रखें। अपना ख्याल रखना कोई बात नहीं है, अपना हाथ अपने मुंह में निवाला लेके जाए कोई बड़ी बात नहीं, अपनी आंखें अपने लिए देखें कुछ भी नहीं, अपने पैर अपने लिए चलें कुछ भी नहीं, अपने पेट में अपने लिए रोटी डालो कुछ भी नहीं। आदमी अच्छा कब बनता है? जब निवाला आपका, हाथ आपका और मुंह किसी और का होता है। हमारे मजहब ने भी तहमुल, सब्र और टॉलरेंस का पैगाम दिया, पैगाम दिया है। में इसको ही अगर हम देखें और उस पर अमल करें तो काफ़ी कुछ। मौलाना अली साहब का बड़ा अच्छा कॉल है आपकी, इस बात से याद आया कि फरमाते हैं कि फरिश्ते में ख्वाहिश और जानवर में अक्ल नहीं होती, फरिश्ते में ख्वाहिश और जानवर में अक्ल नहीं होती। अब ये इंसान पर है कि वो अक्ल को दबा ले तो जानवर और ख्वाहिश को दबा ले तो फरिश्ता। तो अपने नफ्स को काबू करना और उसको काबू करके फिर चलना, यही सारा काम है। बेशक खातिन हज़रात, अपने लफ्ज़ों को बोलने से पहले तोल लीजिए, समझ लीजिए, किसी का दिल टूट सकता है, किसी का घर टूट सकता है, किसी का दिमाग घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे बचिए। अच्छे अखलाक का मुजाहरा कीजिए, अपने तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिए, इस शहर को, इस मुल्क को, इसकी हर चीज़ को अपना समझिए। इन तमाम बातों में मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ, बड़ा वक्त लिया आपका, वक़ार आपके तशरीफ़ लाने से मैंने एक मोहतरमा के सामने, क्योंकि ये मिनिस्टर हैं कल्चर की, मैंने एक टैलेंट इनके सामने रखा, एक सजेशन रखी है कि इन लोगों को यूटिलाइज करना चाहिए, हमें अपने टैलेंट को बाहर भेजना चाहिए, हुकूमतें ये काम करें, एक ब्रिज कायम करें, एक सॉफ्टनेस दें, एक पीस का मैसेज जाए हमारी तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोग थैंक यू।